हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है नीमा और मैं स्वागत करती हूं आपको मेरे चैनल पर आज मैं आपसे बात करने वाली हूं बच्चों की लर्निंग पावर के बारे में और आपको सजेस्ट करने वाली हूं एक सिंपल सा गेम जो आप अपने बच्चे के साथ खेल सकते हैं और उससे इम्प्रूव होगी बच्चे की लर्निंग पावर इस गेम के लिए आपको कोई पेपर पेन की जरूरत नहीं है आप अपने बच्चे के साथ ऐसे ही बैठ के खेल सकते हैं देखिए क्या होता है ना कई मम्मी लोग एक कंप्लेन करते हैं कि मैम हमारा बच्चा याद करता है बट उसे कुछ याद ही नहीं रहता है मैं उन्हें एक ही बात कहना चाहती हूँ कि वो बच्चा याद नहीं कर रहा है वो उसने रट लिया है आपके डर के मारे ए फॉर एप्पल ए फॉर एप्पल ए फॉर एप्पल बट ना तो उसके दिमाग में ए की पिक्चर क्लियर है ना उसके दिमाग में एप्पल की पिक्चर क्लियर है तो जब आप दोबारा पूछते हैं तो वो कुछ याद नहीं रहता और हम बोलते हैं कि बच्चे ने याद किया था बट वो भूल गया तो उसने भूला कुछ नहीं है उसने बस वो रट लिया था जो उसके दिमाग से थोड़ी देर बाद इरेज हो जाता है ऑटो इरेज चलता है बच्चे के दिमाग में समझ लीजिए तो चलिए बात करती हूँ अब उस गेम की भाई क्या है वो गेम जिससे बच्चे की लर्निंग पावर बढ़ जाएगी देखिए इसके लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है आपने अपने बच्चे को लेके बैठना है दोनों का माइंड बिल्कुल शांत होना चाहिए आपका भी और आपके बच्चे का भी आपने करना क्या है आपने उसे टेन वर्ड्स बोलने हैं कोई भी ये वर्ड्स होता हो सकते हैं जरूरी नहीं है सब रिलेटेड होने चाहिए जैसे मान लीजिए मैं फ्रूट्स नेम अभी बता रही हूँ एप्पल मैंगो बनाना ऑरेंज ग्रैप्स ये पांच फ्रूट वर्ड्स मैंने अपने बच्चे को बताए हैं फ्रूट्स नेम मैंने बच्चे को बताया है अब बच्चे को बोलना है कि चलो अब आप बताओ कि मम्मा ने कौन कौन से वर्ड्स बोले थे अगर आपका बच्चा धीरे धीरे याद करके पांच में से चार भी बता पा रहा है अगले दिन आप दोबारा खेलिए उसे पांच की जगह सात वर्ड्स बोलिए और फिर बच्चा वो कोशिश कर रहा है उन्हें याद करने की तो इससे बच्चे की लर्निंग पावर बढ़ती है देखिए सबसे आसान तरीका होता है ना बच्चे को एक चीज क्लियर कीजिए जब आप बोल रहे हैं मैंगो अगर उसने अपने दिमाग में मैंगो की पिक्चर बना ली है ना तो वो कभी नहीं भूलेगा कि मम्मा ने बोला था मैंगो अगर आपने बोला है एप्पल अगर बच्चे ने एप्पल की पिक्चर बना ली है कि रेड कलर का एप्पल बिल्कुल मीठा मीठा यमी यमी अगर बच्चे ने उसकी पिक्चर बना लिया ना तो वो कभी नहीं भूलेगा एप्पल बट अगर वो सिर्फ सुन रहा है एप्पल मैंगो बनाना ऑरेंज ग्रैप्स तो वो पांच में से दो भी आपको वापस नहीं बता पाएगा तो हमेशा बच्चे के दिमाग में ये बात क्लियर कीजिए कि आपने हर चीज की इमेजिनेशन करना है हर चीज की इमेज अपने दिमाग में बनानी है ताकि आप आराम से उस चीज को याद रख सके और यही काम फिर धीरे धीरे बच्चा करने लगता है अपनी स्टडीज में भी जो धीरे धीरे हम बच्चे को इमेज बनाना सिखा रहे हैं ना दिमाग में ये बच्चों की स्टडीज पे बहुत काम करता है देखिए क्या होता है ना जब बच्चा इंग्लिश का लेसन पढ़ रहा है उसके दिमाग में पूरी स्टोरी बनती जा रही है तो वो स्टोरी चाह कर भी वो भूल नहीं पाता और जब क्वेश्चन आंसर्स की बारी आती है तो उसके दिमाग में क्योंकि पूरी इमेज बनी हुई है पूरी पिक्चर चल रही है तो वो आराम से क्वेश्चन आंसर्स भी कर पाता है तो इसलिए इस तरीके के गेम बच्चे के साथ जरूर खेलिए उसे हमेशा ये बात क्लियर कीजिए कि हर चीज की दिमाग में एक इमेज बना ले रटना नहीं है क्योंकि रटने से क्या होता है ना बच्चे के दिमाग में ऑटो इरेज चलता है वो थोड़ी देर बाद निकल जाता है बच्चे के दिमाग में क्या हमारे दिमाग में भी अगर मैं आज की डेट में भी कुछ रटती हूँ ना कुछ चीज़ याद करती हूँ तो थोड़ी देर बाद वो मैं भी भूल जाऊंगी तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा और इस तरीके को एक बार आजमाइएगा ज़रूर थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग